नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मधेपुरा सदर प्रखंड मुख्यालय में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर बीते बुधवार को जिला कार्यालय के सभी कार्यपालक सहायक काला बिल्ला लगाकर आंदोलन कर कहा कि कार्यपालक सहायकों का कार्य स्थायी प्रकृति का है, परंतु आज भी हम लोग अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं, इस कारण अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा संकल्प भी जारी किया गया था, लेकिन प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा, इसके कार्यपालक सहायकों में असंतोष है। वहीं कार्यपालक सहायक दीपक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत अस्पतालों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायकों का मानदेय बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जाए, साथ ही अन्य विभागों में भी उक्त निर्धारित दर से ही मानदेय का भुगतान कराया जाए। मौके पर दीपक कुमार, शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा शिक्षा विभाग, रजनी प्रवीण, रंजन कुमार, नाजनी प्रवीण आदि मौजूद थे। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।